इतिहास न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम वह खबर लेकर आए हैं जो निश्चित रूप से समझने की जरूरत है और एहसास करने की जरूरत है। जिस तरह कहा गया है कि भूखे को खाना खिलाना और प्यासे को पानी पिलाना सबसे बड़ा सवाब का काम माना गया है, इसका अगर किसी को इल्म है तो वह है नेशनल हमदर्द सोसाइटी, जो गढ़वा जिले के बंसीधर अनुमंडल मुख्यालय में अवस्थित है। इस सोसाइटी के द्वारा लॉकडाउन के शुरुआत से ही अभावग्रस्त लोगों के बीच खाद्य सामग्री का वितरण करने के साथ साथ वहां पर जो क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है, महदैया जो जगह है जहां पर अर्धनिर्मित जेल है, उसी सेंटर में जो लोग प्रवासी लोग रखे गए हैं उन्हें भोजन कराया जा रहा है, उन्हें सामग्री दी जा रही है। साथ ही साथ सोसाइटी के सदस्यों द्वारा अनुमंडल प्रशासन को भी सामग्री दे करके बड़ा सहयोग किया जा रहा है। यह अभी नहीं, जब हमने शुरुआत में ही कहा कि लॉकडाउन के शुरुआत से, अभी तो हम लॉकडाउन 3 में बसर कर रहे हैं, लॉकडाउन के शुरुआत से ही सोसाइटी के सदस्यों द्वारा अहम भूमिका निभाई जा रही है। सभी को खाना खिलाया जा रहा है, अभावग्रस्त लोगों को खाद्य सामग्री दी जा रही है, शुरुआत में मास्क और सैनिटाइजर का वितरण भी किया गया, साथ ही साथ लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। इसके जो सदर हैं इस सोसाइटी के, तस्लीम खान हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि निश्चित रूप से हमारे शरीयत में भी यह लिखा हुआ है कि अगर आप कहीं हैं समर्थवान हैं, अगर आपके पास सामर्थ्य नहीं भी है, लेकिन जो भी आपके पास है, अगर अभावग्रस्त लोग अगर आपके सामने हैं तो उन्हें खाना खिलाना है, उन्हें पानी पिलाना है, ये सबसे बड़ा सवाब का काम है। इसीलिए इसको इसका एहसास है हम सबों को, जो भी हमारे सोसाइटी के लोग हैं, जो भी हमसे जुड़े हुए लोग हैं, सभी लोग एक साथ होकर के इस काम को अंजाम दे रहे हैं। और इनका कहना है कि जिस तरह हम लोगों ने शुरुआत में निर्णय लिया कि हम मस्जिद में जाकर नमाज अदा नहीं करेंगे जबकि और घर में नमाज करेंगे, ठीक उसी का अनुपालन अभी तक हो रहा है। उसी तरह रमजान में भी हम अपने अपने घरों में इबादत कर रहे हैं, और उस इबादत में खुद के साथ साथ गांव, समाज, देश और विश्व के सलामती की दुआ कर रहे हैं। और लोगों से भी, अपने लोगों से भी यही अपील है हमारी कि आप सभी भी सबकी सलामती की दुआ करें। समिति जो भी इस सोसाइटी के लोग हैं उनमें और लोग जो शामिल हैं जो इस नेक काम में साथ दे रहे हैं, उनका भी नाम मैं आपको बता दूं जो जरूरी है। इसमें महमूद आलम सीनियर का नाम है, शकील हैं, हैदर खान हैं, जावेद हैं, तौहीद हैं, नेपाली और शोएब आलम भी हैं, राजा हैं, इम्तियाज हाजी मंजर आलम हैं, और गब्बर और पिंटू सहित अन्य लोगों का नाम शामिल है जो सोसाइटी से, इस जो नेशनल हमदर्द सोसाइटी है उससे जुड़ करके इस नेक काम को कर रहे हैं। निश्चित रूप से हमको, आपको, सबको इनके कार्यों की सराहना करनी चाहिए। COVID-19 को लेकर आज लॉकडाउन 3 लगा हुआ है, जिसे महदैया जेल के पास प्रवासी मजदूरों के भोजन के SDO बंसीधर नगर द्वारा व्यवस्था किया गया है। खाने पीने का मजदूरों का काफी परेशानी हो रही है। तो 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन से भूखे मिक्सर बिस्कुट पर रहा करते थे, जिसे अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, नगर के प्रशासन द्वारा खाने का व्यवस्था किया गया है। वो बहुत सराहनीय कार्य है। इसी को देखते हुए हम लोग भी नेशनल हमदर्द सोसाइटी के द्वारा चावल, दाल, सरसों तेल वगैरह काफी सामग्री जो है उपलब्ध कराया गया है, क्योंकि मजदूरों को काफी इससे सुविधा होगी। और